टेलीकॉम घोटाले में पूर्व आईएएस और ट्राई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप बैजल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बैजल ने किताब लिखी है जिसका नाम है द कंप्लीट स्टोरी ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स, 2G पावर एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, अ प्रैक्टिशनर्स डायरी। किताब में बैजल ने लिखा है कि मनमोहन सिंह ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर बैजल ने सहयोग नहीं किया तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बैजल ने लिखा है कि मेरी हालत ऐसे अफसर की तरह थी जो कुछ करो तो आफत और ना करो तो आफत वाली स्थिति में था। उन्होंने लिखा है कि मनमोहन ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर साथ नहीं दिया तो फिर इसका खामियाजा भुगतना होगा। प्रदीप बैजल के मनमोहन सिंह पर यह गंभीर आरोप है। पूर्व ट्राई चेयरमैन प्रदीप बैजल, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मेरी हालत ऐसे अफसर की तरह थी जो कुछ करो तो आफत, कुछ ना करो तो आफत वाली स्थिति में था। बैजल ने लिखा, मैंने कई लोगों से कहा कि अफसरों की जांच की आंच मनमोहन सिंह तक भी पहुंचेगी क्योंकि सारे फैसलों की मंजूरी उनके द्वारा दी गई थी।